सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। वेल, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है मनीष ने, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से हूँ। फिलहाल मैं इलाहाबाद में काम कर रहा हूँ। ये घटना मेरे बचपन में मेरे साथ घटी थी, जो कि मेरे गांव बलिया की ही है। मेरे पापा की मौत तभी हो गई थी जब मैं 4 साल का था। उसके बाद से मैं अपने चाचा के साथ इलाहाबाद में रहता था। चाचा ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और पाला। बीच बीच में जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती होती या फिर कुछ समय की छुट्टियाँ ऐसे मिलती तो मैं अपने दादाजी के पास बलिया में चला जाता था। साल का काफ़ी वक्त मैं वहाँ पर ही बिताता था, जिस कारण से वहाँ पर गांव में भी मेरे कई सारे दोस्त बन चुके थे, जिनके साथ मैं खेलता था, घूमता था और मस्ती करता था। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 19 साल की थी। दरअसल ये घर की बात थी। वो घर हमारे गाँव के बिल्कुल बाहरी एरिया पे, जहाँ पर गाँव बिल्कुल मान लीजिए ख़त्म हो जाता था, वहाँ पर स्थित था। वो घर 3 मंजिला था। यह आपको थोड़ी हैरानी वाली बात लग सकती है, बट हमारे पूरे गांव में वो इकलौता 3 मंजिल का मकान था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात, वो मकान जब से मैंने होश संभाला था तब से बंद था, और मेरे दादाजी के मुताबिक वो मेरे पैदा होने से भी 5 साल पहले से ही बंद था। इसके पीछे क्या कारण थे उन्होंने कभी विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने तो क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो अपने आसपास के ऐसे ही चाचा ताऊ बाकी रिश्तेदारों से मैं उस घर के बारे में बहुत पूछता, पर कोई भी कभी भी सीधा जवाब नहीं देता कि आखिर वो बंद है क्यों और वहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता या फिर उस घर के मालिक कहाँ पर हैं। खैर, इतना तो मुझे किसी से पता चल गया था कि वो घर किसी ठाकुर नाम के व्यक्ति का था। बचपन से ही उस घर में जाकर देखने की जिज्ञासा तो बहुत थी, क्योंकि वो घर बाहर से देखने में लगता ही ऐसा था। पूरे गाँव का सबसे ज़्यादा सुंदर मकान वही था। ऊपर से वहाँ कोई रहता भी नहीं था, तो बचपन से ही उस घर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो एक बार उस घर के अंदर जाया जाए और वहाँ पर अच्छे से देखा जाए कि वो कैसा है। अपने दोस्तों से कई बार मैंने वहाँ चलने के लिए बोला भी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि साथ ही साथ गांव में ये वाली कहानियाँ भी फैली हुई थी कि उस घर में आत्माएँ हैं या फिर उस घर पर किसी चीज़ का साया है। इन्हीं घटनाओं को सुनते सुनते कब 19 की उम्र हो गई पता भी नहीं चला। और तब बीच में एक बार दिवाली से कुछ समय पहले, जब ठंड धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी और शाम जल्दी हो जाती थी, उसी समय के आसपास मैं अपने दोस्तों के साथ शाम के वक्त ही घूमने के लिए जाता था। अक्सर ही हम लोग खेत वगैरह की साइड जाते थे और वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा कभी कभी सिगरेट पीते थे या फिर ऐसे ही बात बात करके वापस आ जाते थे। तो नॉर्मली तो हम उस रास्ते से नहीं आते थे जहाँ पर वो मकान था, पर उस शाम ऐसे ही मेरा मन करा कि चलो उस तरफ से होते हुए चलते हैं। मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे उस घर के अंदर जाना है, बस मतलब इतनी इच्छा थी कि उस घर के सामने से निकला जाए। यही सोच के अपने दोनों दोस्त दिनेश और रवि के साथ मैं उस रास्ते से चलने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो घर गांव के बिल्कुल बाहरी एरिया में था, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें थोड़ा दूसरी तरफ जाना पड़ता, गांव के बाहर की साइड। पहले तो रवि ने मना करा और बोला कि चलो वापस घर ही चलते हैं, क्या तुम लोग उधर जाने के चक्कर में लग रहे हो। पर मैंने बोला आ जाना, कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा जिद करने पर वो मान गया और साथ में आने लगा। अब हम लोग उस घर के बिल्कुल सामने खड़े थे। हम उस घर को सामने से देख रहे थे और उसके सामने वाले बड़े दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटका हुआ था। इसके अलावा वो जो लकड़ी का दरवाज़ा था उस पर कहीं कहीं से वो टूटा सा हुआ था और उसको फट्टे से बंद करा गया था, फट्टे से कील लगा के।
मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही वापस चलने के लिए बोल रहे थे, पर मैं बोला अभी चलेंगे, 5 मिनट रुक तो जाओ। और उसके बाद मैं घर के ही चारों तरफ ऐसे ही देखने लगा और इधर उधर घूमने लगा वहीं पर। तब मेरी नज़र जब मैं पीछे की तरफ गया तो एक जगह पर पड़ी। दरअसल ये एक खिड़की थी, पर यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि उस खिड़की में लोहे की जाली लगी हुई थी, लेकिन वो लोहे की जाली बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी, मानो कोई ज़बरदस्ती वहाँ से अंदर घुसा हो। तो सबसे पहले तो मेरे मन में यही आया कि शायद कोई चोर वगैरह तो उस घर में नहीं घुसा। मैंने फ़ौरन ही अपने दोस्तों को वहाँ पर बुलाया। मैंने आवाज़ देकर जब उन्हें बुलाया तो वो लोग आए और वो भी उस चीज़ को देखने लगे। तब उन लोगों ने मेरे से ये कहा कि एक काम करते हैं, आज से वापस चलते हैं और गाँव में किसी को इस बारे में बताते हैं, कोई बड़ा ही इस बारे में कुछ कर सकता है, हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर आने के लिए सब लोग मना करते हैं, किसी को पता लगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं या किसी ने देख लिया तो सारा नाम हम पे ही आ जाएगा कि हम लोगों ने ये करा है या फिर हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला हाँ बोल तो सही रहे हो, पर तुम नहीं जानना चाहते यह घर अंदर से कैसा लगता होगा, बाहर से ही देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो तो बस थोड़ा पुराना सा हो गया है और जाले वाले लग गए हैं, लेकिन अंदर से शायद अच्छा हो, और अगर इस टाइम पर अभी कोई अंदर होता तब तक वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता, हो सकता है किसी ने पहले ही ये कर दिया हो पर अभी अंदर कोई भी ना हो। ऐसे ही मैंने बातें बना बना कर अपने दोनों दोस्तों को अंदर ले जाने के लिए आखिरकार हाँ बुलवा ही लिया। एक एक करके हम लोग अंदर आ गए। वो घर ऐसा ही था जैसा कि किसी कई साल से बंद पड़े घर को होना चाहिए। अंदर हर तरफ धूल मिट्टी और एक अजीब सी बदबू पूरे माहौल में फैली हुई, पर इस बदबू को मैं एक झटके पहचान गया था। ये बदबू किसी जानवर के मरने की थी। जहाँ से हम घुसे थे वहाँ पर तो ये स्मेल थोड़ी कम आ रही थी, पर जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे ये स्मेल स्ट्रॉन्ग होती गई और मुझे समझ में आ गया कि ये गंध कहीं ऊपर से आ रही थी। थोड़ी आगे चलने के बाद हम लोगों के आगे सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों के पास जाते ही मैं समझ चुका था ये बदबू ऊपर से ही आ रही है। इस बीच मेरे दोस्त लगातार कह रहे थे कि हमें यहाँ पर क्या मतलब है, हमें वापस चलना चाहिए, पर वो मैं ही था जो कि उस घर में और अंदर जाने के लिए ज़िद कर रहा था। उन लोगों के मना करने के बावजूद मैं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही मैं ऊपर गया ऊपर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। शायद आप इस बात पर यकीन मिला करें, मेरी आंखों के सामने इस वक्त 30 से 35 कुत्तों की लाश पड़ी हुई थी, और ये कुत्ते ऐसे नहीं थे कि ऐसे ही मर गए हों, ये सभी के सभी खाए हुए थे। और उस टाइम पर जो बदबू वहाँ पर फैली हुई थी वो किसी को भी बेहोश करने तक का दम रखती थी, पर बस वो तो किसी तरह मैं इस बदबू को सहन कर पा रहा था और खड़ा हुआ था। पीछे पीछे मेरे दोस्त भी आए तो ऊपर का नज़ारा देखकर तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और अब वो सीधा भागने के लिए नीचे ही चले गए। वो लोग मुझे छोड़कर ही वहाँ से नीचे जाने लगे। सच कहूँ तो मेरा भी मन वापस जाने का हो गया था, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए नीचे पलटा नीचे से उन दोनों के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई और मेरे कदम वहीं पर रुक गए। और अब मेरे मन में ना तो आगे जाने की हिम्मत थी ना ही नीचे जाने की। तब जाकर मैंने उस चीज़ को देखा, चीज़ नहीं वो साया, बिल्कुल किसी सफ़ेद से धुएं की तरह वो मेरी आंखों के सामने सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ आया। और पहले तो मुझे लग रहा था कि बस ये मेरा वहम है या फिर कुछ धुएं जैसा है, पर उसके बाद जैसे ही वो चीज़ ऊपर आ गई मेरी आंखों के सामने ही धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। मेरी आंखों के सामने ही उसकी आकृति बिल्कुल किसी इंसान की तरह हो गई, और ये देखने के बाद मैं समझ चुका था कि शायद ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे मुँह से भी अब काफ़ी तेज से चीख निकली और अब मैं सीधा सामने अंधेरे में ही भागने लगा। सामने कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर एक जगह पर जाकर जब मैं टकराया तो पाया कि थोड़ा राइट में एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे को जैसे ही मैंने धक्का देकर खोला तो उस कमरे में दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी क्योंकि वहाँ पर खिड़की थी। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और मैंने एक झटके में उस खिड़की को खोल दिया और मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया मैं यहाँ से कूद कर अभी निकल रहा हूँ। पर जैसे ही मैंने खिड़की खोल के बाहर देखा मेरी हालत और ख़राब हो गई क्योंकि इस वक्त मैं दूसरी मंजिल पे था। पर जैसे ही मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा तो वो साया ठीक मेरे पीछे आ रहा था, और अगर शायद मैं उसके कब्जे में आता तो मेरी मौत पक्की थी। उस डर के कारण
मेरे अंदर से ऊंचाई का डर चला गया और मैं एक झटके में वहां से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। जब मैं आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। अस्पताल में मेरे पापा मेरे साइड में थे, मेरा भाई भी दूसरी तरफ बैठा हुआ था। मैं बस इतना ही पूछ पाया कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे। धीरे धीरे मुझे बातें याद आने लगी कि मैं कहाँ गया था, पर मेरे माथे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मेरा माथा गिरने की वजह से बुरी तरीके से फट गया था और मेरे सर में 60 टाके आए थे। वहीं मेरी छाती में एक लकड़ी घुस गई थी जिसके कारण मेरे चेस्ट में एक रॉड लगी थी। अगले 2 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो पता चला कि उन्हीं लोगों ने मेरे लिए गांव वालों को वहां पर बुलाया था। दरअसल उनका कहना था कि जब वो नीचे गए तो उसके बाद उन्हें सांप ने कुछ साए से दिखने लगे जिसके बाद वो बेहोश हो गए। पर कुछ समय के बाद उन्हें होश आ गया और जैसे ही उन्हें होश आया उस टाइम पर उन्हें मेरे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि मैं नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। ये देखकर वो दोनों डर गए और सीधा भागते भागते गांव गए। वापस से चलना शुरू करने में मुझे अगला 1 महीना बीत गया। इसके बाद भी जब मैंने घर वालों को ये बात बताई तो मेरे पापा को तो मेरी बात पर यकीन था, पर मेरे बाकी घर वालों को मुझ पर यकीन नहीं था। और मैंने भी ये बात फिर बाद में और किसी को नहीं बताई क्योंकि सभी लोगों के लिए बात बचकानी सी थी। पर मैं जानता था कि मेरे साथ जो हुआ वो सच था और शायद उस घर के बारे में जो बातें थी वो भी सच थी, और शायद यही वो कारण था, वो अनजान कारण जिस वजह से उस घर के मालिक ने उस घर को छोड़ रखा था। आज की अगली घटना हमें बताई है हमारी सब्सक्राइबर रिया ने। आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। यह घटना मेरे भैया के दोस्त के साथ घटी थी। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी जैसे भैया ने मुझे बताई थी। इसके अलावा मैं ये भी नहीं बोल सकती कि यह घटना पूरी तरीके से भूतिया है या नहीं है, क्योंकि ये आप इसको सुनने के बाद खुद ही जज कर लेना। बात आज से 8 साल पहले की है, साल 2015 की। आगे के इंसिडेंट को मैं भैया के शब्दों में ही आपको बताती हूँ। मैं रोहित दिल्ली के सरोजनी नगर एरिया में रहता हूँ। जिस समय की ये बात है उस समय मैं एक कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पर लगे हुए मुझे 1 साल हो चुका था और मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। सुबह के 9 बजे जाना और शाम को 6 बजे तक घर, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। काम पर अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे। एक सुबह ऐसे ही 9:15 बजे के आसपास जब कंपनी पहुंचा तो पता लगा कि मेरा दोस्त आया नहीं था अब तक, जो कि अक्सर ही मेरे से पहले आ जाता था। खैर कभी कभी तो सब लेट होते हैं, इसलिए बात को इग्नोर करा और अपना काम करने में लग गया। आधा घंटा बीत गया तो लगा कि शायद आज वो नहीं आएगा। ऐसे ही सोच के उसके नंबर पर कॉल करा पूछने के लिए, बट उसने कॉल नहीं उठाया और नंबर बंद आ रहा था। तब मेरे साथ का एक कोवर्कर जो कि उसके घर से थोड़ा दूर रहता था, मतलब कि उसका घर रास्ते में पड़ता था, तो वो मेरे पास आया और थोड़ा हैरानी के साथ बोला, तुझे पता है? मैं बोला क्या हुआ? तो बोला सूरज का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं है तुझे, बहुत बुरी चोट आई है, सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बोला क्या हो गया? उसने बोला तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला ऐसा क्या हो गया भाई? जल्दी से अपने बॉस को बताने के बाद हम दोनों ही वहाँ से निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुँचे तो उसकी हालत देखकर हमारी हालत ही ख़राब हो गई। उसकी पूरी बॉडी पट्टियों से लिपटी पड़ी थी और गनीमत की बात यह थी कि उसको और कोई ज़्यादा तगड़ी इंटरनल इंजरी नहीं थी, पर उसकी हाँ हड्डियाँ कई टूट गई थी, जिसके कारण वो अगले कई महीनों तक बेड पर रहने वाला था। खैर इस पूरे टाइम हम लोगों ने उसका ध्यान रखा और वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलता था। इस टाइम पर उसकी फैमिली वहाँ पर नहीं रहती थी तो मैक्सिमम टाइम उसका ध्यान हमने ही रखा। उसकी बहन हालांकि गांव से वहाँ पर आई थी उसका ध्यान रखने के लिए, पर वो भी बेचारी अकेला क्या क्या करती, इसीलिए हम लोग अक्सर ही उसकी हेल्प करते थे। अब 4 महीने बाद आते हैं
जब वो इतना हो गया था कि धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया था और अब वो हमसे बातचीत वापस से करने लगा था। अब जाकर उसने फाइनली हमें बताया कि आखिर उस टाइम पर उसके साथ हुआ क्या था। जिस सुबह वो अपने तीसरी मंजिल से नीचे कूदा था, उससे पिछली रात के बारे में बताना शुरू करा। याद है ना, आयुषी का बर्थडे था। आयुषी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। हमने बोला हाँ। उस रात वो उसी के बर्थडे में शामिल होने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था, बट वहाँ पर उसे जाने के बाद देखा कि वहाँ पर उसके कई सारे मेल फ्रेंड्स भी आए हुए थे, और ये देखकर उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से वैसे ही वापस आने लगा। रास्ते में आते टाइम मैंने एक बियर ले ली और उस बियर को एक जगह पर बैठकर पी दिया। उसके बाद अब मैं पैदल ही धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ आने लगा। अब मैं एक दूसरे रास्ते से जा रहा था और कुछ टाइम से मैं यहाँ से नहीं निकला था। रात में अंधेरा सा हो रहा था और तब निकलते टाइम एकदम से मैंने देखा कि मैं किसी चीज़ से टकराया। दरअसल एक नोटिस बोर्ड सा था जो कि सड़क के बीचों बीच लगा हुआ था। मैं उससे टकरा कर गिर गया। उसे जैसे ही मैंने हटाकर पैर से साइड करा, मैं एकदम से आगे आकर एक गड्ढे में गिरने वाला था। और तब जाकर मैं थोड़ा होश में आया तो मैंने देखा कि रोड में एक काफ़ी चौड़ा गड्ढा हुआ पड़ा था और ये देखने में भी अच्छा खासा गहरा था। मेरे ख्याल से ये 4 या 5 फुट गहरा था ज़मीन में, जिसने पूरी रोड को कवर कर रखा था। एकदम से ही मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई और मेरा नशा सारा उतर गया एक बार में ही, ये सोच के कि अगर मैं इसके अंदर गिर गया होता तो मेरे साथ क्या होता। तब मैंने वो बोर्ड उठा के पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, आगे गड्ढा है, काम चल रहा है, दूसरे रास्ते से जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बियर के नशे में था, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उस नोटिस बोर्ड को एक लात मारी, जिससे कि वो नोटिस बोर्ड सीधा उस गड्ढे में जाकर गिरा। अभी मैं थोड़ा हिलते डुलते हुए ही वहाँ से थोड़ा पीछे की साइड हटा और अब वापस की तरफ जाने लगा। पर इससे पहले कि मैं जा पाता, मुझे मेरे सामने से एक बाइक काफ़ी तेज़ स्पीड में आती हुई दिखाई दी। वो बाइक काफ़ी तेज़ स्पीड से आ रही थी और उसकी लाइट भी मेरी आँखों बिल्कुल बंद कर चुकी थी। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, कुछ भी कर पाता, इवन रिएक्ट भी, वो बाइक सीधा आई और एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, जिससे मुझे अंदाज़ा लग गया कि वो बाइक शायद उस गड्ढे में गिर चुकी है। यह आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं तो इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे होश तक नहीं संभाल पा रहा था मैं। थोड़ी देर तक तो मैं बस वहीं पर खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि अभी अभी क्या हुआ। तब फिर जाकर जब थोड़ा होश संभाला मैंने, तो मैंने उस गड्ढे के अंदर झांक कर देखा और ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि नीचे वो दोनों पड़े हुए थे और जिनमें से उस आदमी का सर उसकी बाइक के नीचे ही दब गया था, जिसमें से लगातार काफ़ी सारा खून ऑलरेडी बह चुका था, और उसकी जो पत्नी थी उसका पैर कटा हुआ था, और देखकर मुझे यही लग रहा था कि वो दोनों मर चुके हैं। ये देखने के बाद मेरी हालत बुरी तरीके से ख़राब हो गई और पता नहीं क्या सोचकर मैं बस वहाँ से भागने लगा। मैं डर के मारे वहाँ से भागा और भागते भागते सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने कुछ नहीं करा, सीधा जाकर बेड पर लेटा और कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अभी तक सुबह नहीं हुई थी और बाहर अंधेरा सा ही हो रहा था, मतलब 3-4 बजे के आसपास का कुछ समय था। मुझे अपने कमरे में, अपने कमरे की हवा में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वहां पर है। अब तक मैं बीती रात वाली बात को भूल चुका था, पर तभी एकदम से वो बात मेरे को याद आई। मैं सोच लगा कि क्या वो मेरा सपना था या फिर ऐसा कुछ सच में हुआ था, और अभी मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब एकदम से मैंने वो चीज़ें देखनी शुरू करी। अपने कमरे के बिल्कुल किनारे में मैंने दो साए खड़े हुए देखे, एक आदमी का एक औरत का। उन्हें देखते के साथ ही मेरी रूह कांप गई और उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये वही दोनों के साए थे जो कि आज मेरी वजह से मारे गए। उन्हें देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस ऐसे ही बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं करा, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। पर यह सब बेकार था, वो लगातार मेरी तरफ बढ़ने लगे और मेरे करीब आने लगे। मैं डर के मारे बिस्तर की तरफ लगातार जाए जा रहा था,
पर जैसे ही मैंने देखा कि पीछे जगह नहीं है तो मैं फौरन दूसरी साइड को जाने लगा जहाँ पर मेरी बालकनी थी। अपनी बालकनी में जाकर मैं अब इधर उधर बाहर देखने लगा। नीचे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं अपने कमरे की तरफ देखने लगा तो मैंने फिर देखा वो दोनों के दोनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तब उनमें से जो आदमी का साया था उसने एकदम से अपना मुंह खोला और मानो उसके बिना कुछ बोले ही मेरे मन में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, हमें तूने गिराया, हम तुझे गिराएंगे। वो लोग अब मेरी तरफ आने लगे थे। वो लोग लगातार मेरी तरफ बढ़ने लगे और जिस टाइम पर वो बिल्कुल मेरे सामने आ चुके थे, पता नहीं कैसे, या तो मैंने जानबूझ के खुद कूदा या फिर उन्होंने मेरे शरीर पर वश कर लिया और कुछ ऐसा। मैं बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा और सीधा नीचे कूद गया। जब मैं नीचे गिरा तो एकदम से ही मेरे होश नहीं गए। मेरी आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी और मैं अब भी अपनी बालकनी में उन दोनों को खड़ा देख रहा था। वो दोनों मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। वो लोग तब तक वहीं खड़े रहे जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। मुझे तो लगा शायद मैं मर चुका हूं, पर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। ये बात सुनकर हम लोगों की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर कुछ सोचकर हमारे मन में एक बात आई कि हमें इस बात को पता तो करना पड़ेगा कि यह वाकई में सच थी या नहीं। दरअसल बात यह थी कि हमारा एक दोस्त था जिसका कुछ टाइम पहले ही पुलिस में सिलेक्शन हुआ था और वो थोड़ा पास के ही एक थाने में तैनात था। हमने उसकी मदद ली और बस ये पता करवाया कि वहां पर क्या हुआ था। तो हमें वाकई में पता चला कि उस रात, जिससे एक दिन बाद उसने अपनी बालकनी से छलांग मारी थी, वहां पर एक रोड पे काम चल रहा था सीवर का। उस सीवर के खड्डे में एक बाइक गिरी थी जिसमें एक पति पत्नी का जोड़ा बुरी तरीके से घायल हुआ था। और यही सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि वो घायल हुआ था, मरा नहीं था। उसमें उन दोनों के बारे में और भी जानकारी थी कि वो किस हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम लोग भागकर हॉस्पिटल गए, जैसे से कुछ पैसे से दे देकर उनसे पता करवाया कि वो कहाँ रहते हैं, और हम लोग वहाँ पर भी गए जहाँ पर वो रहते थे। हम लोग उनसे मिले कुछ अनजान शख्स बन के, उनसे बातचीत करी और उनसे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो पता लगा कि ये वही लोग थे जिनका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। सारी बातें देखने के बाद हमारे मन में एक ही सवाल रह गया कि अगर वो दोनों जिंदा थे तो वो साए क्या थे जो कि मेरे दोस्त ने देखे थे, जिनसे डर के उसने नीचे कूद कर आत्महत्या तक की कोशिश कर ली। आज तक मुझे नहीं पता कि इस वाकई में कोई भूतिया घटना थी या फिर उसका मन का वहम था या फिर कुछ और। कुछ टाइम के बाद वो दिल्ली से हमेशा के लिए चला गया और अपने गांव में ही सेटल हो गया। पर उसके साथ घटी ये घटना हम लोगों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। और जब भी इस बारे में हम सोचते हैं तो बस मन में यही ख्याल आता है कि आखिर तब हुआ क्या था। मेरा नाम रविंदर है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग यही कोई 15 साल पहले की है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हमारी कंपनी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करती है। जब मैं इस काम में नया नया आया था तो शुरू शुरू में मैं बस अपने पापा के साथ कोयले की डिलीवरी के लिए उनके साथ जाता था। बात ये तब की है जब मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की ही थी। छोटे मोटे रूट पर मैं पापा के साथ तब तक कई बार जा चुका था, पर इस बार जो हमारा रूट था वो था चंडीगढ़ तक का, जहाँ बीच में किसी काम से दिल्ली भी जाना पड़ रहा था। टोटल मिला के 4 ट्रक थे जो कि चंडीगढ़ जा रहे थे, जिसमें से एक ट्रक में मैं और मेरे पापा थे। अब ऐसा नहीं था कि चारों ट्रक एक के पीछे एक चल रहे हों, बल्कि थोड़ा बहुत आगे पीछे सब लोग चल रहे थे। मुझे याद है हम लोग जब वहाँ से वापस आ रहे थे उस समय दिल्ली के पास मौजूद एक शहर गाज़ियाबाद को हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो शायद इस बात को जानते भी होंगे कि वहाँ पर एक हिंडन नदी है और उसके पास में ही एक शमशान घाट भी है। मेन हाईवे से जब आप दिल्ली की तरफ से आते हो तो आपको शमशान साफ तौर पर दिखता है,
ये बात मैंने अब जानी है, पर उस समय पर मुझे इतना नहीं पता था। तो हुआ यूँ कि ये एरिया भी उस टाइम पर इतना ज़्यादा, यूँ कहूँ कि डेवलप्ड नहीं था जितना कि आज है, बल्कि उस समय पर ये ज़्यादातर सुनसान ही रहता था। मतलब ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक और जो इक्का दुक्का बस चलती थी वही सब गाड़ियाँ होती थी। और उस टाइम पर जब हम निकल रहे थे रात के 2:30 बज रहे थे, पर प्रॉब्लम ये हुई कि चलते चलते हमारा ट्रक एकदम से पंचर हो गया और हमें वहाँ पर उतरना पड़ा। अब मेरे पापा वहाँ उतर कर देखने लगे कि क्या वो इस काम को खुद भी कर सकते हैं या फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अब इतने वो ये सारा काम देख रहे थे, मैं उतर कर इधर उधर देखने लगा। रोड बिल्कुल खाली था और ये रोड उतना ज़्यादा बना हुआ नहीं था जैसा कि आज है। तो अपनी दाईं तरफ पर हिंडन नदी को देख पा रहा था और उसके साइड साइड में दूसरी तरफ मुझे चिताएं जलती हुई दिख रही थी, जिसके बारे में जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर शमशान है और उन्होंने मुझे उधर जाने के लिए या उधर देखने से भी मना कर दिया। इसीलिए अब मैं दूसरी तरफ को आके देखने लगा इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ और दिख जाए। पर जब मैंने उस तरफ ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो कि उस टाइम पर वहाँ पर दिखना काफ़ी अजीब था। मतलब थोड़ी दूरी पर मैं देख पा रहा था कि वहाँ पर मानो एक छोटा सा स्टेज टाइप का बना हुआ था, जहाँ पर यही कोई 6-7 लोग खड़े थे और स्टेज पर 2 लोग खड़े थे जो कि कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, बाकी सभी लोग उन्हें देख रहे थे। मैंने एक बार पापा की तरफ पलट के देखा जो कि अब भी टायर को लेकर कुछ कर रहे थे। इसके बाद चूंकि मैं शमशान की साइड भी नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा कि इधर जाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यही सोचकर मैं उस तरफ को रोड से थोड़ा नीचे उतरा और जहाँ पर वो सब हो रहा था उस तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर वो जो 2 लोग परफॉर्म कर रहे थे वो दरअसल गाना गा रहे थे और आसपास बैठे सभी लोग उसके गाने का आनंद ले रहे थे। वैसे मुझे कभी भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, पर उस टाइम पर पता नहीं क्या हुआ, मानो मेरा मन एक तरीके से उस तरफ आकर्षित सा हो रहा था और मैं उन लोगों के गाने को वहीं खड़ा होकर सुनने लगा। तब मेरी नज़र आसपास के थोड़े लोगों पर गई तो मैंने देखा कि वो बस वहाँ पर देखे जा रहे थे, ना तो कोई उनमें से हिल रहा था और ना ही कुछ और रिएक्शन दे रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं अब भी पता नहीं एक तरीके से अपनी बॉडी का कंट्रोल खो चुका था। पर तब जो थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो छोटा सा टेंट लगा हुआ था उसके पीछे वाले हिस्से में एकदम से थोड़ी आग सी लग गई थी और वो आग अब धीरे धीरे फैलने लगी थी। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर वो जितने भी लोग थे या फिर वो जो गाना गा रहे थे वे भी, उनमें से किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे। अभी आग काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी और इसी वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आग लग गई, जल्दी वहाँ से हटो और इस आग को बुझाने की कोशिश करो। पर उस टाइम पर मेरा बदन एकदम ठंडा पड़ गया जब मैंने देखा कि ना तो कोई मेरी आवाज़ शायद सुन रहा था और ना ही उसका कोई जवाब दे रहा था। सब बस वही करे जा रहे थे जो वो शुरुआत से कर रहे थे। उस टाइम पर मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और मैं ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारने की कोशिश करने लगा, पर उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब एकदम से जब मैं एकदम काफ़ी तेज़ से चिल्लाया तब वो सभी लोग जितने वहाँ पर बैठे थे मुझे देखने लगे, और जैसे ही उन्होंने ऐसा करा मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि उन लोगों के चेहरे देखकर ही शायद पता लग रहा था कि वो लोग जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं थे, बस जिंदा लाश थे। अब इतने मिनट जब स्टेज पर गई तो मैंने देखता हूँ कि वो जो 2 लोग स्टेज पर खड़े होकर गाना गा रहे थे उनके कपड़ों में भी धीरे धीरे आग लग गई और वो फिर भी वैसे ही गाना गाए जा रहे थे जैसे पहले, मानो उन्हें आग का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब मुझे अपने आसपास कुछ साए आते हुए दिखाई दिए और मैं जब पीछे पलटा तो मैं देखने लगा कि वो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे 6-7 लोग, वो सभी मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे और अब धीरे धीरे ये सभी लोग मेरे नज़दीक आ रहे थे। मैं अब तक ये तो समझ चुका था कि ये लोग कुछ भी हों पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है।
इतने पीछे की साइड आग की लपटें काफ़ी तेज़ हो गई थी और अब मैं खुद भी उस गर्माइश को महसूस कर पा रहा था और मुझे एक डर यह भी था कि कहीं इस आग के चपेट में मैं भी ना आ जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बस अपना सर नीचे झुकाया और वहीं बैठकर इस उम्मीद में सोचने लगा कि कोई ना कोई मुझे बचा ले। बस मैं ऐसा कर ही रहा था कि एकदम से मुझे अपने पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने एकदम से पीछे पलट कर देखा तो देखा कि रोड के ऊपर की तरफ वो वहाँ पर खड़े थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे। पापा की तरफ देखने के बाद जैसे ही मैं पीछे पलटा, मेरे ये देखकर होश उड़ गए कि मेरे आसपास अब कोई भी नहीं था। इवन जिस जगह पर वो टेंट था वहाँ पर बस एक पुराना जला हुआ सा टेंट का सामान दिख रहा था और मेरे आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए और मैं मानो बिल्कुल सन्न रह गया था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल भी पाऊँ, पर बस भगवान की कृपा से मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत बांधी और सीधा भागते हुए अपने पापा के सामने रोड तक गया। दरअसल जो पीछे हमारे ट्रक वाले आ रहे थे वो भी वहाँ पर आ चुके थे और उनकी मदद से पापा ने जल्दी से टायर को रिप्लेस कर दिया था। पर जैसे ही मैं उनके पास रोड तक पहुँचा, मैं डर के मारे उनके सामने ही बेहोश हो गया। तब दूसरे वाले ट्रक में जो अंकल भी हमारे साथ आ रहे थे वो शायद समझ गए थे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं उठने की हालत में नहीं था तो उन लोगों ने मिलकर ही मुझे ट्रक में बिठाया और उसके बाद हम सभी लोग वहाँ से निकल गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तक मुझे तेज़ बुखार रहा, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। पर ऐसा नहीं था कि मैंने इसके बाद अपने पापा के साथ जाना छोड़ दिया, बल्कि मैं आज भी यही काम करता हूँ। पर उस दिन के बाद से मैंने रात के वक्त गाड़ी से उतरना और इधर उधर घूमना बंद कर दिया। फिर जब मेरे कई सारे चक्कर गाज़ियाबाद के आसपास से लगने लगे तो आसपास के कुछ दुकानदारों जैसे ढाबे वाले से या फिर छोटी मोटी दुकान वाले से मेरी बातचीत भी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं अक्सर ही रुककर कुछ सामान लेता या खाना खाता था वहाँ पर। तो इसी बीच जब मैंने उन लोगों को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया तब उन्होंने बताया कि इस पूरे एरिया में हिरणा नदी के आसपास का जितना ये एरिया है यहाँ पर किसी भी तरह की भूतिया घटना कभी भी हो सकती है और ये पहली बार मेरे साथ नहीं हुई बल्कि आए दिन वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के साथ होती रहती है। और इवन इस घटना के बारे में एकदम से मुझे 15 साल बाद याद भी इसी वजह से आया क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं दिल्ली गया था अपने बहन के ससुराल में, तब मेरी बात वहाँ पर उनके पिताजी से हुई थी तो उन्होंने मेरे को अपने साथ घटा भी एक घटना बताया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के आसपास के समय की बात है, कुछ काम की वजह से उन्हें अर्जेंटली रात के समय गाज़ियाबाद आना पड़ा। वो अपनी ही गाड़ी से आ रहे थे। अब वहाँ पर रास्ता कुछ इस तरीके का है कि दिल्ली जाने वालों के लिए एक फ्लाईओवर बना हुआ है तो उसी फ्लाईओवर से आपको निकलना पड़ता है, बट एक रास्ता उस फ्लाईओवर के नीचे की तरफ से भी जाता है जो कि आगे जाकर तो मेन हाईवे से वैसे कनेक्ट नहीं होता, बट अगर आपको राजनगर एक्सटेंशन या फिर उसके आसपास की किसी जगह पर जाना है तो वहाँ से आपको एक शॉर्टकट मिल सकता है। तो वो उसी तरफ वहाँ से जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी से जब अंडरपास के पास से निकल रहे थे उस टाइम पर उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने यानी कि उनकी गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही थी। ये देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे ही रोक ली और इस उम्मीद में गाड़ी से उतरे कि उससे उसकी मदद करने के बारे में पूछ लेंगे। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और वो नीचे उतरकर उसकी तरफ जाने लगे, वो व्यक्ति उनकी आंखों के सामने ही गायब होने लगा और धीरे धीरे करके उनकी आंखों के सामने ही वो बिल्कुल धुएं की तरह कहीं गायब हो गया। ये देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई और वो शिवजी का नाम लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठे और फौरन ही वहाँ से निकल गए। आए दिन भी ऐसी घटनाएं हिंडन नदी के आसपास होती रहती हैं। अब इस सारी घटनाओं के पीछे वहाँ का शमशान है या फिर कोई और वजह, इसके बारे में तो कोई खास जानकारी मेरे पास भी नहीं है। तनु आज बहुत दुखी थी, उसका मन आज बहुत उदास था।
उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दूसरा बच्चा मोंटी भी अब उसके पास नहीं रहा। तनु को उसकी छोटी छोटी बातें और फरमाइशें याद थी। इसी गम में वो कभी हंसती तो कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती और रोने लगती। तनु पहले ऐसे नहीं थी। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें उसका पति निखिल, उसकी एक प्यारी सी बेटी परी और वो थी। तीनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी बेटी परी आई बस 2 साल की थी पर दोनों की जान थी। वो लोग उसकी हर फरमाइश को पूरा करते थे। वो अपनी परी को सचमुच ही परी की तरह ही रखते थे। पर वो मनहूस दिन भी आ ही गया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दरअसल उन लोगों ने वीकेंड पर हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया था जो पूरे 3 दिन का प्लान था। वो लोग सुबह ही हिल स्टेशन के लिए निकल गए पर उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। वो लोग सफ़र की वजह से काफ़ी थक गए थे तो उन्होंने सोचा कि आज रात खा पी कर आराम कर लेते हैं, कल से ही घूमना चालू करेंगे। और वो रात में खाना खाकर सो गए। रात के 12 बजे के आसपास तनु को किसी के होने का एहसास हो रहा था और वो नींद से उठ बैठी। उसने निखिल को भी जगाने की कोशिश करी पर निखिल गहरी नींद में होने के कारण नहीं उठा। तनु ने इधर उधर देखा तो उसे खिड़की के पास एक साया भागते हुए नजर आया। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो होटल के कुछ लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तनु दौड़ती हुई रिसेप्शन पर गई पर वहां जाकर मैनेजर से बोली, चोर पीछे की तरफ भागा है और वो उधर की तरफ जाने लगा है। मैनेजर ही भाग कर पीछे की तरफ गए पर तब तक वो चोर वहां से गायब हो चुका था। तनु थक हार कर कमरे में लौट आई और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकल गई। सामने ही उसकी बेटी परी को किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। ये सब देखकर वो वहीं बेहोश हो गई और उसकी चीख सुनकर निखिल उठा और बेड पर अपनी परी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उसकी रूह तक कांप गई। उसने दौड़कर तनु को संभाला और फटी आंखों से परी की लाश को देखने लगा। तभी थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आ गई और उन्होंने तनु से पूछताछ करी जिस पर उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या आपको किसी पर शक है या फिर किसी से दुश्मनी। इस पर तनु और निखिल ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि फिर तो शायद वो चोर ही आपकी बेटी को मारने आया था। इस पर तनु ने चीखते हुए कहा, मेरी ही बेटी क्यों इंस्पेक्टर। पर इंस्पेक्टर बस खामोश हो गए। तनु और निखिल घर चले आए। कई महीनों तक केस चला पर खूनी पकड़ा नहीं गया। इधर तनु तो कभी निखिल को दोषी मानने लगती और कहती कि उसके अलावा वहाँ कमरे में और कोई नहीं था, तो फिर इतनी बेरहमी से मारने पर भी उसकी नींद कैसे नहीं टूटी। इस पर निखिल अब क्या कहता। उससे तनु की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। ऊपर से बच्चा खोने के गम में उसे अंदर से तोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 2 साल गुजर गए। तनु की हालत अब सुधरने लगी थी। एक बार फिर से उनकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी और उसका कारण था तनु का फिर से माँ बनना। जल्द ही तनु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने मिलके मोंटी रखा। दोनों ही मोंटी को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखते थे। पर एक बार फिर से वही काली रात आ गई। दरअसल परी की मौत के बाद से ही तनु को अक्सर ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है, कोई काला साया जो उसे देख रहा हो, पर उसे कभी कोई दिखाई नहीं देता था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। तनु और निखिल अपने कमरे में सो रहे थे और उनके बीच में ही मोंटी सोया हुआ था। तभी छत पर से किसी चीज़ की बहुत भारी आवाज़ आती है जिससे तनु और निखिल की नींद टूट जाती है। निखिल उठते हुए तनु से कहता है कि तुम यहीं मोंटी के पास रुकना, मैं देख कर आता हूँ, और वो छत पर चला जाता है। उसे गए हुए काफ़ी देर हो जाती है और वो वापस नहीं आता और ना ही उसकी आवाज़ आती है। तनु का मन किसी बुरी आशंका से घबरा रहा था। तभी उसे निखिल के चीखने की आवाज़ आती है और वो मोंटी को वहीं अकेला छोड़कर छत पर जाती है। जब तनु छत पर पहुंचती है तो निखिल उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता।
वो निखिल को आवाज़ लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी किसी ने उसके कंधों पर पीछे से हाथ रखा और वो चीख कर पीछे पलटी तो उसके पीछे निखिल खड़ा था। निखिल को सही सलामत देख कर उसे राहत मिली। तभी निखिल ने कहा कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसे तो मोंटी के पास होना चाहिए। इस पर तनु कहती है कि तुमने ही तो मुझे आवाज़ दी थी। इस पर निखिल बोलता है कि मैंने तुम्हें कोई आवाज़ नहीं दी। और ये सुनकर दोनों की आंखें भैंसे चौड़ी हो जाती हैं। दोनों भागते हुए नीचे जाते हैं, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। किसी ने उनके बेटे मोंटी के चिथड़े उड़ा दिए थे और एक बार फिर से पुलिस उनके घर पर आती है। इंस्पेक्टर ने बोला, ये दूसरी बार हुआ है, कि अब भी आपको किसी पर शक नहीं है? इस पर तनु कहती है कि मुझे पता है ये सब किसने किया है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और तनु कहती है कि ये सब इस निखिल ने किया है, इसी ने मारा है मेरे बच्चे को, या फिर उस काले साय ने। इस पर निखिल चिल्लाते हुए कहता है कि ये औरत पागल हो गई है, मैं अपने ही बच्चे क्यों मारूंगा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस अपनी जानकारी जुटाकर वहां से चली जाती है। इस हादसे ने तनु को तोड़ कर रख दिया था और अब वो उदास रहने लगी थी। ना किसी से मिलती, ना ही आती जाती, बस पूरे दिन खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। निखिल ने कई बार उसे समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तनु ने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत को देखते हुए निखिल ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला करा। यही सोचकर वो लोग एक बच्ची को अडॉप्ट करके ले आए और उसका नाम उन्होंने परी ही रखा। परी के आ जाने से अब तनु की हालत सुधरने लगी थी। दोनों परी को खुद से भी ज्यादा ध्यान रखते थे। निखिल तो रात रात भर जाग कर परी को देखता रहता था। एक दिन निखिल को ऑफिस के काम के सिलसिले में देर रात तक रुकना था। उसने तनु को फोन करके बता दिया और उससे कहा कि वो परी को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। तनु ठीक है बोलकर फोन काट देती है। फिर भी पता नहीं क्यों निखिल के मन में आ रहा था कि कुछ सही नहीं है, तो वो जल्दी से अपना काम निपटा कर गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है। घर पहुंच के उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि काला साया उसकी बेटी परी के पास बैठा है, जिसके लंबे लंबे नाखून हैं, और परी को वो मारने ही वाला होता है कि निखिल चीख पड़ता है, कौन हो तुम? ये सुनकर वो साया पीछे पलटता है, जिसे देखकर निखिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और उसने किसी तरह अटकते हुए बोला, तनु तुम? तभी तनु एकदम से निखिल के सामने आकर खड़ी होती है और एक भयंकर गर्जना के साथ कहती है, मैं तनु नहीं माया हूँ माया, पूछ तेरी बीबी से कि मेरी मौत कैसे हुई। इतना बोल के तनु बेहोश हो जाती है। निखिल उसे संभालता है और थोड़ी ही देर के बाद तनु को होश आता है और वो निखिल से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। निखिल उसे सब बता देता है और इसे सुनकर तनु अपना मुंह छिपाकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने ही अपने बच्चे को मार डाला, कैसी माँ हूँ मैं, और फिर वो रोने लगती है। इस पर निखिल उससे पूछता है और उसे संभालता है और वो बोलता है कि तनु माया कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ। ये सुनकर तनु निखिल को फटी फटी नज़रों से देखने लगती है, जिस पर निखिल थोड़ा सख्ती से फिर पूछता है तो वो कहती है, तुम हमारी नौकरानी माया की बात कर रहे हो? जिस पर निखिल के हाँ कहने पर तनु बताने लगती है, करीब 3 साल पहले जब तुम काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तब मैंने माया को काम करने के लिए और तुम्हारे वापस ना आने तक मेरे साथ रहने के लिए बुलाया था। वैसे तो माया बहुत अच्छी और घर के सारे काम करने में निपुण थी। वो मेरी सारी बात मानती थी, पर उसकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो हर वक्त तुम्हारे फोटो को घूरती रहती थी। मुझसे भी वो हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछा करती थी। शुरू शुरू में तो मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर जब उसकी ये हरकतें बंद नहीं हुई तो धीरे धीरे मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। हद तो तब हो गई जब मैंने उसके कमरे में तुम्हारी तस्वीर देखी और वो तुम्हारे नाम का सिंदूर भी लगा रही थी। उसने शाखा पोला भी पहन रखा था, जो कि एक सुहागन की निशानी होती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे बहुत मारा और एक कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। कई दिनों तक मैंने उसे खाना पानी नहीं दिया, ये सोचकर
कि जब भूख प्यास से मरेगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी, पर इन सबके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने कुछ और सोचा और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर मैं उसको अपने साथ लेकर पास वाले तालाब पर पहुंची। जब वो मुझसे कुछ पूछ रही थी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो मैंने मौका देखकर उसे पीछे से धक्का मार दिया और वो तालाब में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो वहीं डूब गई और मर गई। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिली और उन्होंने मुझे बताया कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, और तब सब बताकर वो फूट फूट कर रोने लगी। निखिल अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। और वो तनु से कहता है कि तनु, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, और वो उसे सब बताने लगता है। हमारी शादी से पहले मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए मिर्ज़ापुर में रहता था। उन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात माया से हुई थी। दरअसल वो मेरे घर काम मांगने आई थी और मैंने भी उसे काम पर रख लिया था। माया बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर एक दिन गांव से मेरी माँ का फ़ोन आया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं ये सब माया को कैसे पता चल गया और वो घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली, और इस तरह फिर हमारी शादी हो गई। फिर अचानक हमारी शादी के 2 महीने बाद वो हमारे घर में काम मांगने आई, और उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने उससे बहुत पूछा कि वो कहाँ चली गई थी, और उसने कुछ ना बताया और सिर्फ इतना ही बोली, नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो मुझे क्या मिलता। मैं तो सिर्फ आपको देखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, और यहाँ पर काम करने लगी। तनु, ये तुमने क्या कर डाला, एक मासूम को तो मार ही डाला, साथ ही उसके बच्चे को भी मार डाला। माया ही अब शाख चुन्नी बन गई थी। तनु ने पूछा, शाख चुन्नी क्या होती है। इस पर निखिल कहता है कि शाख चुन्नी एक शादीशुदा औरत की आत्मा होती है, जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो इस योनि में आ जाती है। तुमने माया के साथ जो किया और उसके अजन्मे बच्चे को जो मारा, इसकी सज़ा तुम्हें उसने तुम्हारे बच्चों को मरवा कर दी, वो भी तुम्हारे ही हाथों से। पर अब मैं अपनी दूसरी परी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे ही माया को रोकना होगा। उसकी बात सुनकर तनु फूट फूट कर रोने लगती है। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। फिर एक दिन आधी रात के समय जब सो रहे होते हैं सब लोग, तो माया ने तनु के अंदर प्रवेश कर लिया, जिससे तनु उठ बैठी और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोलने लगी, सबको मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर निखिल जाग जाता है, और माया ने परी को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी निखिल चिल्ला पड़ता है, रुक जाओ माया, ऐसा मत करो, इन सब में मेरी परी की क्या गलती है। जिस पर माया कहती है कि मेरे बच्चे की क्या गलती थी, जिसे दुनिया में आने से पहले ही तुमने मार डाला। इस पर निखिल कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर्स में मेरी परी को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। इस पर माया कुछ सोचते हुए कहती है कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, और वो अपनी शर्त बता देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। निखिल रोते हुए माया की बात मान लेता है, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। जानता हूँ आप जानना चाहते होंगे कि आखिर माया की शर्त क्या थी। दरअसल उसकी शर्त यही थी कि वो अब से तनु के शरीर में ही रहेगी, ताकि उसे भी पति और औलाद का प्यार मिल सके, और इस तरह इस कहानी का एक अजीबोगरीब अंत होता है।